आदरणीय बंधुओं, आदरणीय भक्तों, जय नाथ जी, जय बाबा पशुपतिनाथ, जय गुरुदेव। बंधुओं, बाबा पशुपतिनाथ मंदिर माझवास जिला नागौर पर दिनांक 4 अगस्त से आयोजन हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा का, और यहां से आज कुछ ही देर बाद में कलश यात्रा का आयोजन रखा गया है, जो माँ फूलाबाई जो यहां से लगभग 800 मीटर की दूरी पर है, उनका विशाल मंदिर, वहां तक कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए किस तरह से कलशों की पूजा की जा रही है मुख्य यजमान द्वारा, आज के पश्चात आज का पूरा आपको नज़ारा दिखाएंगे। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा पशुपतिनाथ। श्रीमद् भागवत कथा वाचन के लिए पधारे हैं यहाँ पर इमरती भाई साहब। इमरती भाई साहब श्री मूल आश्रम से पधारी हैं। ये देखिए व्यासपीठ, बहुत सुंदर व्यासपीठ, और इसी के साथ साथ कलशों की पूजा कर रहे हैं मुख्य यजमान रामनिवास जी पुजारी, जो यहाँ के पुजारी हैं वो पूजा अर्चना करवा रहे हैं कलशों की, और तत्पश्चात थोड़ी देर में यहाँ से कलश यात्रा रवाना होकर भक्त शिरोमणि फूलाबाई के यहाँ पर पहुँचेगी। ये हैं गुरुदेव महंत श्री स्वरूपनाथ जी महाराज, और ये देखिए मातृशक्ति बस प्रतीक्षा में कलश यात्रा के लिए। बहुत ही सुंदर आयोजन हो रहा है, और जैसा कि हमने पहले बताया दिनांक 4 अगस्त 2021 से 14 अगस्त 2021 तक यहाँ पर मृद भागवत कथा वाचन होगा। ये समय रहेगा इसका दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का। सभी मातृशक्ति तैयार, और ये देखो गुरुदेव देख रहे कि गुरुदेव श्री स्वरूपनाथ जी महाराज अभी थोड़ी देर में, जैसे हम बता रहे कि कलश यात्रा का प्रस्थान होगा, सभी इंतजार में इस शुभ घड़ी में। देखिए बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ का बाबा पशुपतिनाथ मंदिर का, और कुछ ही देर में यहाँ से प्रस्थान होगी ये कलश यात्रा, जो जाएगी भक्त शिरोमणि फूलाबाई के मंदिर। ये है कथावाची का इमरती भाई साहब। बाबा पशुपतिनाथ मंदिर से कलश यात्रा आज बाबा पशुपतिनाथ मंदिर पे आयोजन किया जा रहा है श्रीमद् भागवत कथा का। ये देखिए आप बिल्कुल कलश यात्रा निकलती हुई। ये भक्त शिरोमणि फूलाबाई का मंदिर, ये बाबा पशुपतिनाथ मंदिर से मात्र 800 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर आ रही है आज कलश यात्रा बाबा पशुपतिनाथ मंदिर माझवास पर आयोजन हो रहा है श्री मृद भागवत कथा का। ये देखिए यहाँ पर ये कलश यात्रा आई है भक्त शिरोमणि श्री फूलाबाई के मंदिर में। ये देखिए मातृशक्ति कलश लेकर के आ रही हैं, और बहुत ही सुंदर ये यहाँ का नजारा। बाबा पशुपतिनाथ मंदिर से रवाना होकर के ये आई है कलश यात्रा भक्त शिरोमणि फूलाबाई के।
श्री श्री 108 महंत पशुपतिनाथ मंदिर मांझवास श्री स्वरूपनाथ जी महाराज और उनके साथ में है कथावाचिका इमृति बाई साहब। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये आज 4 अगस्त से यहाँ पर आयोजन शुरू हो रहा है कथा का। और ये देखिए कथावाचिका इमृति बाई साहब और साथ में है गुरुदेव श्री श्री 108 श्री स्वरूपनाथ जी महाराज और ये अपार जन समूह है बिल्कुल कलश यात्रा में। ये देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मातृशक्ति है, युवक युवतियाँ बाल गोपाल वरिष्ठ जन सभी तो यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए भागवत जी को अपने सर पे लिए हुए सम्मान के साथ में यहाँ पर भक्त शिरोमणि फूला बाई के मंदिर में आए हैं और अभी बाद में यहाँ से जाने के पश्चात 12 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा कथा मंचन। अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक आयोजन किया जाएगा श्रीमद् भागवत कथा का। आप हैं गुरुदेव श्री श्री ईश्वर श्री मंत्र श्री स्वरूपनाथ जी और साथ में हैं कथावाचिका इमरती बाई साहब सिरमुड़ी आश्रम से। ये अपार जन समूह है आया है यहाँ पर और ये कलश यात्रा का भी आपने दृश्य देखा और ये है मंदिर शिरोमणि भूला बाई साहब का। हर्षोल्लास का माहौल और यहाँ पर सभी भक्त जन भक्त शिरोमणि भूला बाई के दर्शन के लिए आए और पधारे हैं गुरुदेव एवं कथावाचिका इमरती बाई साहब के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं गुरुदेव और इमरती बाई साहब और ये यहाँ भी अभी दर्शन करेंगे और यहाँ पर आइए आज भागवत जजमान लेकर के आए अपने सिर के ऊपर और यहाँ बाबा पशुपतिनाथ के सभी भक्तजन भक्त शिरोमणि फूला बाई के यहाँ पधारे हैं। ये देखिए सुंदर नजारा है यहाँ का। ये देखिए भागवत जी को सर पे लेके आए हैं जजमान। जयकारे जो गुंजायमान हो रहा है आसमान मांझवास का। महंत शिरोमणि यहाँ पर सभी को तिलक लगा रहे हैं। ये है माँ फूला बाई, जय माँ फूला बाई, भक्त शिरोमणि फूला बाई जिन्होंने बहुत चमत्कार दिखाए हैं। ये ग्राम मांझवास से पशुपतिनाथ मंदिर से मात्र 800 मीटर की दूरी पर स्थित है फूला बाई का ये बहुत शानदार मंदिर। अपार जन समूह है जिसमें वरिष्ठ जन सम्मिलित हैं, जिसमें सम्मिलित हैं युवा और युवतियाँ और मातृशक्ति यहाँ पर कलश यात्रा के दौरान। और ये गुरुदेव आगे मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, गुरुदेव श्री स्वरूपनाथ जी महाराज और उनके साथ में हैं कथावाचिका इमृति बाई साहब। ये बाबा ये देखिए गुरुदेव दर्शन कर रहे हैं भक्त शिरोमणि फूला बाई के, ये दर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ में ये देखिए माल्यार्पण कर रहे हैं माँ फूला बाई को, भक्त शिरोमणि फूला बाई को। ये इमृति बाई साहब जो कथावाचिका हैं और बाबा पशुपतिनाथ पर आज जो 12 बजे से 3 बजे तक कथा होगी उसमें कथा वाचन करेंगे। साथ में हैं गुरुदेव श्री स्वरूपनाथ जी महंत पशुपतिनाथ मंदिर के। जयकारे से गुंजायमान हो रहा है आसमान मांझवास का। जय माँ फूला बाई, भक्त शिरोमणि फूला बाई, गुरुदेव ने नमन किया उनको, प्रणाम किया उनको, आदेश किया जय गुरु। ये देखिए भक्त जन आ रहे हैं, ये परिक्रमा करके धीरे धीरे भक्त जन माँ फूला बाई के दर्शन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और अपार जन समूह है यहाँ पर भक्त शिरोमणि फूला बाई के। यहाँ पर आज आयोजन किया जा रहा है बाबा पशुपतिनाथ मंदिर मांझवास पर श्रीमद् भागवत कथा का और कथा के दौरान ही यहाँ वहाँ से रवाना हुई है कलश यात्रा और कलश यात्रा पहुँची है भक्त शिरोमणि फूला बाई के मंदिर में। बहुत सुंदर अति सुंदर। ये देखिए परिक्रमा कर रहे हैं भक्तजन के दर्शन और यहाँ पर माल्यार्पण कर किया फूला बाई को माल्यार्पण किया गया है। ये तपोभूमि है, चमत्कारी भूमि है, माँ फूला बाई ने बहुत से चमत्कार दिखाए हैं। ये फूला बाई का मंदिर मात्र 800 मीटर की दूरी पर बाबा पशुपतिनाथ से और ये देखिए गुरुदेव श्री स्वरूपनाथ जी महाराज और आज की कथावाचिका श्री आश्रम से जय फूला बाई। ये गुरुदेव जो माँ फूला बाई की सेवा पूजा करते हैं, ये पूर्णनाथ जी महाराज हैं जो यहाँ पर फूला बाई के यहाँ पर सेवा देते हैं और ये यहाँ की सारी साज संभाल करते हैं। जय गुरुदेव, साधन नमन, साधन नमन, जय माँ फूला बाई, जय माँ फूला बाई।
बहुत से चमत्कार दिखाए हैं माँ फूलाबाई ने। बड़ी लंबी कहानी है, पहले हमने इसका वर्णन किया था। बहुत ही ये तपोभूमि है यहाँ माझवास में। भागवत सर पे लेके आए थे जजमान। ये देखिए यहाँ पर भक्तजन अपार जन समूह है, जयकार जयकारे लगा रहे हैं। ये देखिए फूलाबाई का मंदिर, जहाँ पर आज कलश यात्रा लेकर के आई थी ये मातृशक्ति। ग्राम मांझवास जहाँ पर है स्थित बाबा पशुपतिनाथ जी का मंदिर, और साथ में है यहाँ भक्त शिरोमणि फूलाबाई का मंदिर। ये देखिए भक्त यहाँ पर आए अपार जन समूह, जैसे हमने अभी कहा। जय फूलाबाई, जय फूलाबाई। दर्शन करके यहाँ पर आज कलश यात्रा का आयोजन हुआ था। माँ फूलाबाई के यहाँ से वापसी प्रस्थान कर रहे हैं। जैसे जैसे वापसी में प्रस्थान कर रहे हैं, गुरुदेव वहाँ पर खड़े हैं और कलशों में शगुन डाल रहे हैं। ये देखिए जो कलश लेके आई थी मातृशक्ति, तो शगुन डाल रहे हैं कलशों में। और ये देखिए भागवत जी को जो लेकर के आए थे वापस बाबा पशुपतिनाथ मंदिर में प्रस्थान कर रहे हैं। ये देखिए गुरुदेव जो कलशों के अंदर शगुन डाल रहे हैं। जो भी यहाँ पे कलश लेके आए थे उनके सब में शगुन डाल रहे हैं।
आ गई थी, अब वापसी में जा रहे हैं। ये भागवत सर पे रख के जनमान और पहुंचेंगे बाबा पशुपतिनाथ मंदिर, जहां पर आज कथा का आयोजन होगा। ये 4 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक कथा का वाचन होगा। आप सभी भी ग्राम मांझवास बाबा पशुपतिनाथ मंदिर पधारे और कथा का आनंद लें। जय बाबा भोलेनाथ, जय भोला माई। यहाँ पर रात को बहुत तगड़ी बारिश हुई थी और ये देखिए चारों तरफ पानी ही पानी हो रहा है। और ये जो कलश यात्रा लेकर के आई थी मातृशक्ति, वो वापस रवाना हो रही हैं, जा रही हैं बाबा पशुपतिनाथ मंदिर और जहाँ पर कथा का वाचन होगा। ये देख पा रहे हैं आप, ये रोड के ऊपर पानी भरा हुआ है और अपने सर पे कथा, भागवत कथा रख करके ये देखिए चल रहे हैं। ये नज़ारा, सुंदर नज़ारा आप देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर रात्रि के समय बारिश हुई थी, बहुत तगड़ी बारिश जिसे कहते हैं, और ये देखिए जगह जगह पानी भरा हुआ। ट्रैक्टर की सवारी, आज बहुत दिनों बाद में ट्रैक्टर की सवारी, आगे बम्पर पे बैठे हैं और ये देखिए पीछे गुरुदेव और इमरती भाई साहब जो कथा वाचिका है। बाबा पशुपतिनाथ मंदिर पर आयोजन होने जा रहा है श्रीमद् भागवत कथा का, जो 4 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक जारी रहेगा। जय बाबा भोलेनाथ। ये देखिए ट्रैक्टर और उसका आनंद लेते हुए। हर्षोल्लास सभी में, भक्तजनों में काफी उत्साह है और ये देखिए अपार भीड़ कलश यात्रा माँ फूलाबाई के यहाँ जाकर के आई है। अब प्रवेश कर चुकी है बाबा पशुपतिनाथ मंदिर मांझवास पर। यहाँ पर होगा कथा जो 4 अगस्त से 14 अगस्त तक चलेगी और व्यासपीठ भी होंगी इमरती भाई साहब श्रीमुड़ी आश्रम से। और ये देखिए हुजूम लग रहा है यहाँ भक्तों का, इसमें मातृशक्ति, युवक युवतियाँ, बाल गोपाल, वरिष्ठ जन सभी यहाँ पर मौजूद। जय बाबा भोलेनाथ। श्री श्री 108 महंत श्री स्वरूपनाथ जी महाराज और साथ में है व्यासपीठ पे विराजने वाली इमरती भाई साहब। ये देखिए
बाबा पशुपतिनाथ परिसर में पहुंच चुके हैं। अब आगे कथा वाचन का कार्यक्रम होगा। ये देखिए बहुत सुंदर ये बाबा पशुपतिनाथ का मंदिर जो नेपाल की तर्ज पे बना हुआ है, और ये कलश यात्रा वापिस बाबा पशुपतिनाथ मंदिर पर। बहुत सुंदर नज़ारा, सुंदर दृश्य बाबा पशुपतिनाथ का आप देख रहे हैं, और ये मातृशक्ति अपार जन समूह है। ये था सुंदर नज़ारा बाबा पशुपतिनाथ ग्राम मांझवास से भक्ति रमणी फूलाबाई के मंदिर तक की कलश यात्रा का। सभी कलश लेकर चलने वाली आकर के अपने कलशों को जहाँ पर कथा का वाचन होगा वहाँ पर रखा गया, और इस स्थान पर अब कथा का वाचन होगा। कथा वाचिका हैं इमरती बाई साहब, और कुछ ही देर बाद में यहाँ कथामृत होगा। ये देख पा रहे हैं कितने सुंदर सुंदर ये अपने कलश जो मातृशक्ति सजा करके लाई थी और यहाँ पर आकर के कथा स्थल पर इसे रख दिया गया है। यह है कथा मंच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय बाबा पशुनाथ, जय गुरुदेव।